एक सवाल यह है कि मजहब इस्लाम ने किसी के इंतकाल पर सोग और गम मनाने की इजाज़त दी है या नहीं। अगर इजाज़त दी है तो कितने दिनों तक सोग और गम मनाना चाहिए। तो इसका जवाब यह है कि अगर आपके किसी रिश्तेदार, किसी अजीज या ख़ानदान के किसी फ़र्द का इंतकाल हो जाए तो इस्लाम ने उसके गम और सोग मनाने की 3 दिनों तक इजाज़त दी है। इस्लाम ने सिर्फ 3 दिनों तक इजाज़त दी है, चाहे आपके कितने ही अजीज और ख़ास आदमी का इंतकाल हो जाए, सिर्फ 3 दिनों तक गम और सोग मनाना जायज़ है। उससे ज़्यादा गम और अफसोस का इजहार करना, गम मनाना, ये दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगर किसी औरत के शोहर का इंतकाल हो जाए तो फिर इस्लाम ने उस औरत को 4 महीने 10 दिन तक सोग और गम मनाने को कहा है। लिहाजा अगर किसी औरत के शोहर का इंतकाल हो जाए तो वो 4 महीने 10 दिन तक सोग और गम मनाए, ये इस्लाम ने तालीम दी है। लेकिन शोहर के अलावा अगर किसी भी का इंतकाल हो जाए, चाहे वो कितना ही अजीज़ है, ख़ास है, आपका कितना ही करीबी है, रिश्तेदार हो, माँ बाप, वालिदैन, भाई बहन, किसी का भी इंतकाल हो जाए, सिर्फ 3 दिनों तक गम और सोग मनाने की इजाज़त है, उससे ज्यादा नहीं।